हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं? कम उम्र में ही आपके इतने सफ़ेद बाल हो गए हैं कि आप बार बार अपने बालों में मेहंदी लगाकर, कलर लगाकर, डाई करवाकर परेशान हो चुके हैं। क्या आप कोई परमानेंट इलाज ढूंढ रहे हैं जिससे आपके सफ़ेद बाल हमेशा के लिए काले हो जाएं? तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जिससे आप अपने सफ़ेद हुए बालों को हमेशा के लिए काला बना सकते हैं। और ये नुस्खा इतना कारगर है, इतना असरदार है कि ये आपके बालों की जड़ों में ऐसे समाएगा और वहाँ से निकल रहे सफ़ेद बालों को हमेशा के लिए हटा देगा, जिससे आपके काले बाल आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको तीन चीज़ों का यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने लिया है चाय पत्ती। चाय पत्ती आपको बारीक लेनी है, या फिर अगर आपके पास मोटी चाय पत्ती है तो आपको उसे थोड़ी ज़्यादा देर तक पकाना होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चाय पत्ती ली है। चाय पत्ती के अंदर नेचुरली गुण पाए जाते हैं जो बालों को काला करने का काम करता है। जिस तरह से चाय पत्ती चाय में भी कलर दे देती है, उसी तरह से अगर आप इसे अपने सफ़ेद बालों पर लगाएंगे तो ये आपके सफ़ेद बालों को भी हमेशा के लिए डाई कर देगी, यानी कि काला बना देगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे दूसरा यूज़ कर रही हूँ चीनी का, यानी कि शुगर। घर में यूज़ होने वाली आपको नॉर्मल चीनी लेनी है। फ्रेंड्स, चीनी के अंदर भी ऐसे गुण पाए जाते हैं बालों में चाय पत्ती के साथ मिलकर उन्हें जड़ से काला बनाने का कार्य करेगी। आप चीनी को कुछ देर तक पकाएंगे तो वो एक चिपचिपा पदार्थ बन जाता है। उसी तरह से अगर आप इसे अपने बालों में लगाएंगे तो ये आपके बालों को हमेशा के लिए काला करेगा। तो आपको कैसे इनका यूज़ करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चाय पत्ती ली है और यहाँ पे मैंने चीनी ली है 4 चम्मच। और अगर आप बॉयस है तो आधी क्वांटिटी भी ले सकते हैं, क्योंकि बॉयस के सर पे बाल कम होते हैं। और अगर आप कोई गर्ल हो तो फ्रेंड्स, इतनी मात्रा आपके बालों के लिए काफ़ी रहेगी। इसमें आपको गाइस आधा गिलास पानी ऐड करना होगा। ज़्यादा पानी की मात्रा आप नहीं बढ़ाइए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मात्रा में पानी इसमें ऐड करेंगे आपको उतनी ज़्यादा मात्रा में इसे पकाना होगा। आपको दोस्तों इसे 10 से 15 मिनट तक पकाना होगा। जब इसमें उबाल आ जाए तो आप इसके फ्लेम को लो कर दीजिए और धीमी आंच पर आप इसे लगभग 10 से 12 मिनट तक पकाइएगा। देखिए, इसमें उबाल आ चुका है, हम इस उबाल को अच्छे से आने देते हैं। उबाल आने के बाद आप फ्लेम को लो कर दीजिएगा और इसे पकाइएगा। देखिए गाइस, पक पक के इसका कलर कैसे एकदम से ब्लैक हो चुका है। तो आपको भी इसे खूब अच्छी तरह से पकाना होगा। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। आपको अब करना ये कि आपको इसे अब अच्छे से ठंडा कर लेना होगा। इसके बाद आप इसे एक क्लीन बाउल में निकाल लीजिएगा। इसका कलर एकदम कैसे ब्लैक है, सोचिए ये आपके सफेद बालों को कैसे एक ही बार में जड़ से काला कर देगा। इसके बाद आपको इसे अच्छे से ठंडा होने देना है। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो आपको इसमें ऐड करना होगा मेहंदी। आपको गाइस इसमें 1 चम्मच मेहंदी पाउडर ऐड करना होगा। आपको फ्रेंड्स नॉर्मल मेहंदी लेनी है जो आप अपने हाथों पर अप्लाई करते हैं। तो गाइस देखिए, आपके सफ़ेद बालों को हमेशा के लिए काला बनाने का एक परमानेंट रामबाण नुस्खा बनकर तैयार है। तो देखिए, एकदम गाढ़ा और कैसा एकदम चिपचिपा बना है। अगर आप अपने इसे बालों में लगाएंगे तो ये आपके सफ़ेद बालों को हमेशा के लिए काला
कर देगा। देखिए गाइस, इस तरह से ये आपके बालों की जड़ों में समाएगा, आपके सफेद बालों में समाएगा और उन्हें हमेशा के लिए काला कर देगा। तो गाइस, आप इसे अपने पूरे बालों में अच्छे से लगाइए और लगाकर मात्र 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू करने के बाद देखिए आपके सफेद हुए बाल कैसे हमेशा के लिए काले हो गए हैं और वो कभी व्हाइट भी नहीं हो पाएंगे। अगर आपके बहुत ज्यादा मात्रा में सफेद बाल हो गए हैं तो मात्र वीक में 2 बार इसका यूज कर लीजिए। और गाइस, अगर ये आपका पेस्ट बच जाता है तो आप इसे फ्रिज में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं और नेक्स्ट वीक इसे यूज भी कर सकते हैं। तो गाइस, ये था आज का मेरा वीडियो सफेद बालों को काला बनाने का नुस्खा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स के जरिए भी मुझे जरूर बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।